दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ अब अपने कमरे में और सब बुक हो रखा था क्योंकि आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी थी और कल संडे है, तो लोग बाग बहुत आए हुए हैं यहाँ पे। तो मुझे यही रूम मिला, डोरमेट्री वाला छोटा सा रूम है और ये मुझे फ्री में मिला है, इसका मुझे कोई चार्जेस नहीं देने हैं। तो मैं अभी नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ आई हूँ, थोड़ी देर में बताती हूँ आपको, जब मैं तैयार शैर हो जाऊँगी फिर बताती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। और अभी ये सरप्राइज है कि मैं कहाँ हूँ, थोड़ी देर में बताऊंगी कि कहाँ हूँ। तो दोस्तों मैं नहा के आ गई हूँ अपना वहाँ पे स्नान गृह से और मैंने ये रूम लिया है। यहाँ पे बाथरूम नहीं है, सिर्फ रूम है इस कमरे में, तो यहाँ पे जो कॉमन होता है उसी में वही यूज़ किया मैंने, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है तो मैंने कहा ये भी करना चाहिए। और यहाँ पे अब मैं जाऊँगी मत्था टेकने बाबा जी का, क्योंकि मैं स्नान नहीं करा था तो अभी तक नहीं गई थी, तो अब मैं चलती हूँ वहाँ मत्था टेकने, फिर मैं लंगर करूँगी। तो बता ही देती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ, कहाँ से मैं आपको गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। तो ये है मणिकरण, बस सूरज निकला हुआ है और धीरे देखो कितनी हो रखी है। अच्छा ऊपर एक ओंकार सतगुरु प्रसाद एक बिता एक स्क्रीन बार घूम रहा हो रहा है सुन मीता जी हमारा बल बल जैसे हर नरसिंहदेव दिखाई सुन मीता तुरी को बल जाई हम तेरा भाईरा सुन मीता जी हो पेट सब तन अर्पित है उधर से नर जो पाए है भैरवी बिरा प्रसाद सुंदर के हरनामा है बिठा सिंह नारे को गुरु कृपा तारे सब। तो मणिकरण गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद मैं आ गई हूँ लंगर करने, और लंगर करने के बाद मैं जा रही हूँ शिव मंदिर की तरफ। तो मंदिर वहीं पे है गुरुद्वारे के बिल्कुल नज़दीक, तो ये जो रास्ता जा रहा है मंदिर की तरफ जा रहा है और ये इतनी कोजी जगह है ना, ये जो चल के जा रही हूँ मैं इतना मज़ा आ रहा है, गरम गरम सा बिल्कुल फील हो रहा है यहाँ पे। अगर आप नंगे पैर भी चलोगे तो गर्म होगा, बस यहाँ जैसे आप पहुँचोगे आपको थोड़ी ठंडक सी फील होगी। और अब ये मैं पहुँच गई हूँ शिव मंदिर की तरफ और यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो, प्रसाद ले सकते हो। यह एक अद्भुत स्थान है जहाँ पे गुरुद्वारा और मंदिर बिल्कुल एक साथ है, इसीलिए ये जगह तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। माना जाता है कि मणिकरण में जब शिवजी जी की शादी हुई थी उसके बाद उन्होंने यहाँ पे 11,000 वर्ष बिताए थे, और यहाँ पे एक बार स्नान करते हुए पार्वती जी के कान की मणि गिर गई थी, तो शिवजी जी को उन्होंने पार्वती जी ने कहा कि कहीं से भी मेरी मणि ढूंढ के लाओ। मणि खो गई थी पाताल लोक में, तो शिवजी जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और शेषनाग को जगाया और उनसे कहा कि मणि कहीं से भी ढूंढ के लाओ। तो शेषनाग ने फुफकार मारकर पाताल लोक से इतनी सारी मणियां निकाल दी थी यहाँ पे मणिकरण में, तो उनमें से एक मणि पार्वती जी की भी थी, तो पार्वती जी को फिर उनकी मणि मिल गई, तो इसीलिए इस जगह का नाम मणिकरण पड़ा। और शिवजी जी को ये जगह इतनी ज़्यादा पसंद थी इसीलिए उन्होंने 11,000 साल यहाँ पे बिताए थे। जब उन्होंने काशी का स्थापना करी तो वहाँ पे एक घाट का नाम भी मणिकर्णिका रखा था। ये जो आप धुआं देख रहे हो ये धुआं नहीं है, ये भाप है, यहाँ पे पानी उबलता हुआ निकलता है पाताल लोक से, और ये यहाँ पे प्रसाद बनाते हैं, इसमें 10 मिनट में तैयार हो जाता है, चावल चने सब चीज़ें यहाँ पे इसी टाइप से ही बनती है। तो ये जो आप देख रहे हैं इनमें चावल और चने रखे हैं जो कि यहाँ का प्रसाद होता है, और पानी आप देख रहे हैं उबल रहा है, खौल रहा है ये। बट इसकी स्टोरी गुरु नानक जी से रिलेटेड है, वो स्टोरी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मैं घूम रही हूँ शिव मंदिर। तो ये देखो आप स्टीम कितनी ज्यादा निकल रही है यहाँ पे, और इतना अच्छा लग रहा था ना, एक तो ठंडा हो रहा था तो इतना मजा आ रहा था, कोजी कोजी फील हो रहा था, गर्म भाप आपके मुंह पे लग रही थी, बहुत ही अच्छा अनुभव था। मैं गर्मियों में भी गई हूँ यहाँ पे, पर गर्मियों में इतनी स्टीम नहीं देखी थी मैंने, पर अभी तो इतना मज़ेदार हो रहा था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। शिव मंदिर में भी एक स्नान के लिए बनाया हुआ है पॉन्ड, पर सब ज़्यादातर लोग वहीं पे नहाते हैं, और पता है यहाँ से स्टीम निकल रही है, देखो ज़रा, बाप रे इतना हॉट वाटर, मतलब अद्भुत नज़ारा है भाई, अद्भुत है बिल्कुल। और नीचे बिल्कुल गर्म हो रहा है, आप जहाँ मैं चल रही हूँ ना बिल्कुल गर्म हो रहा है, मुझे कहीं ठंड नहीं लग रही है यहाँ पे, ये देखो स्टीम ही स्टीम निकल रही है हर जगह से स्टीम निकल रही है, मतलब अद्भुत नज़ारा है यार, अद्भुत है बहुत ज़्यादा, वाह।
जो स्टोरी मैंने आपको अभी बताई है ये लिखी हुई है यहाँ पे, आप प्लीज पढ़ लीजिए। अगर मेरे से कोई गलती हो गई होगी तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। जब मंदिर से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना अद्भुत नजारा देख के इतना मतलब मजा आ रहा था, और देखते रहो शिव मूर्ति को जो भाप लग रही थी। पर यहाँ पे और भी जगह है जो मेरे को देखनी थी, तो यहाँ पे एक मंदिर है रघुनाथ मंदिर जो ये है, और राम मंदिर है। तो ये है मणिकरण, आपको गुरुद्वारा और मंदिर दिखा दिए, एक मंदिर ये भी है रघुनाथ मंदिर, तो सोच रही हूँ ये भी दिखा दूँ आपको। तो ये है प्राचीन रघुनाथ मंदिर, तो यहाँ पे लगा हुआ था ताला, तो इसलिए मैं गई नहीं अंदर। मैंने कहा शूज उतार के जाऊंगी तो मैं अंदर से देख तो पाऊंगी नहीं, तो इसलिए मैं गई नहीं। अब चलते हैं प्राचीन राम मंदिर की तरफ। रास्ते में मुझे ये बहुत ही सुंदर मंदिर दिखा जिसने मेरा ध्यान खींचा, और इतना सुंदर बना हुआ है। ये मंदिर है नैना भगवती जी का मंदिर, और इनकी भी मान्यता है कुछ चीजें आगे के लिए रखते हैं। तो अब मैं पहुंच गई हूँ प्राचीन राम मंदिर, और ये बहुत ही पास है, सारी चीजें आपको मतलब एक ही दिन में आप कवर कर सकते हो, सब देख सकते हैं। तो ये है प्राचीन श्री राम मंदिर मणिकरण में, पहली बार आई हूँ, पिछली बार पता ही नहीं था ये भी है मंदिर यहाँ। और ऊपर देखो किसी चट्टान है, कितनी भयंकर लग रही है। बस का पता कर लेती हूँ कितना किराया रहता है, क्या रहता है, फिर निकलेंगे यहाँ से। नहीं तो कल सुबह तो है ही बस 11:30 बजे। तो ये एक पुल था यहाँ पे, वो भी मैंने देख लिया। तो ये यहाँ का बस स्टैंड है जो उसने मुझे सुबह यहाँ पे 6:30 बजे उतार दिया था। और ऊपर वाली रोड जाती है उधर की तरफ, खीर गंगा की तरफ। सुबह तो इतनी सारी बस खड़ी थी पर अभी नहीं है। मस्त लग रहा है ना ये पुल। मेरा तो कल वैसे प्लान था कि मैं खीर गंगा जाऊँ, पर अपू बोला मेरे भी ना मत जाना, तो मैंने कहा फिर चल ठीक है बस मणिकरण घूम के वापस आती हूँ फिर मैं, आज बस इतना ही। अब मैं चल जाऊँगी फिर रूम पे अपने, मैंने दिखाया था ना अपना रूम, फ्री का रूम है वो मेरा। आज आई भयंकर मणिकरण में बहुत जगह बना रखा है हॉट पॉन्ड, और ये देखो जो पाइप देख रहे हैं आप, ये पाइप भी गर्म पानी की सप्लाई करने के लिए है। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखाया जाए कि ऐसे सप्लाई होता है यहाँ पे पानी। तो मैं रूम पे आ गई हूँ, अब मैं आराम करूँगी क्योंकि मैंने सुबह सिर्फ 1-1.5 घंटा ही आराम किया है, बस में तो नींद आई नहीं थी मुझे। तो अब मैं आराम करूँगी और फिर शाम को फिर लंगर खा के आऊँगी और फिर सो जाऊँगी। फिर कल मेरी बस होगी यहाँ से 11:30 बजे करीब है, फिर यहाँ से बस, फिर देखते हैं कैसा रहता है। तो मैं मणिकरण आई हूँ, पता तो चल ही गया होगा आपको। आए हाय जो सिकाई मिली, जो नहा के जो मज़ा आया ना, बहुत सही, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग था वो। तो मैं उठ गई हूँ, अब 4 बज रहे हैं, तो मैंने कहा अपने कपड़े भी उतार लूँ जो मैंने सुखाने के लिए रखे हुए थे। मैंने कहा अब धूप चले जाएगी इसलिए। मेरे पास 2 छोटे बच्चे हैं और ये कैंडी लेके गए बच्चे, मेरे लिए भी कैंडी लेके आए 2 छोटे छोटे। अब बारी है मणिकरण गुरुद्वारे की स्टोरी की, तो चलिए आपको बताते हैं। माना जाता है कि गुरु नानक जी और उनके भाई मर्दाना और पंच प्यारों ने इस जगह की यात्रा की थी। यात्रा के दौरान मर्दाना भाई को भूख लगी, तो उन पे भोजन के लिए सामग्री नहीं थी, तो गुरु नानक जी ने बोला कि चलो तुम एकत्र करके लाओ सामग्री। तो उनको दान में आटा तो मिल गया था रोटी बनाने के लिए, पर आग की कमी के कारण वो पका नहीं पा रहे थे। तब गुरु नानक जी ने मर्दाना भाई को बोला कि तुम वहाँ से एक पत्थर उठाओ। जैसे ही भाई मर्दाना ने वहाँ से पत्थर उठाया, वहाँ से गर्म पानी का झरना बहने लगा। तो उन्होंने रोटियों को गर्म पानी में डाल दिया और गुरु नानक जी ने कहा कि तुम भगवान की प्रार्थना करो, और जैसी आपकी रोटियां पक जाएंगी तो उनमें से आप एक रोटी भगवान को दान करेंगे। मर्दाना भाई प्रार्थना कर रहे थे, तो थोड़ी देर बाद देखा उन्होंने तो पक
पकी हुई रोटियां पानी में तैरने लगी। तब गुरु नानक जी ने बोला कि जब कोई भगवान के नाम पर दान करता है तो उसका डूबता सामान वापस तैरने लगता है। अभी भी यहाँ पर इसी प्रकार भोजन पकाया जाता है जो कि लंगर की तरह परोसा जाता है तीर्थयात्रियों के लिए। और यहाँ पे मतलब इतनी मान्यता है कि हिंदू और सिख दोनों के लिए यहाँ पे ये तीर्थ स्थान है। और गुरुद्वारे के अंदर आप भगवान जी की फोटोज़ वगैरह भी देखेंगे, किसी गुरुद्वारे में जल्दी से आपको ऐसा नहीं दिखता है। 6 बज गए और मस्त हो रहा है और लोग अभी भी नहा रहे हैं, लड़के लोग का मजा आ रहा होगा उन्हें गर्म पानी में नहाने में। तो लंगर खा लिया है मेरे दोस्तों और देखो कितना अच्छा हो रहा है मौसम यहाँ मणिकरण में, बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ और मज़ा भी आ रहा है। देखो कैसे निकल रही है मस्त, लोग अभी भी नहा रहे हैं। अब मैं चलती हूँ रूम पे अपना, तो वो मेरा रूम है उधर और अब मैं आराम करती हूँ, कल सुबह मेरी बस है बस मिल जाए यार।